हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाऊंगी उबले अंडे की सब्ज़ी, वो भी आलू के साथ। तो चलिए दिखाती हूँ, इसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत मैंने कर रखी है पहले से। आलू और अंडे को मैंने साथ में ही बॉयल किया है, कुकर में नहीं किया मैंने, इसको कढ़ाई में ही कर दिया। आप चाहे जिस बर्तन में कर ले, चाहे कुकर में कर ले, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने वो उबले हुए अंडे छील लिए हैं, आलू भी छील लिए, और इनको देखिए मैं हाथ से ही तोड़ूंगी, इससे इसको चाकू से शेप नहीं दूंगी मैं, और ऐसे ही फोड़ लूंगी सारे आलू को। और ये देखिए ये तैयार हो गया है। अभी आगे मैं दिखा रही हूँ आपको। एक एक उबले अंडे को लेंगे और इसमें चाकू से कट का निशान लगाएंगे। निशान इसलिए लगा रहे हैं कि अंडे को करना है फ्राई, तो फ्राई करते टाइम ये चटके नहीं, नहीं तो जल भी सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डाल दिया मैंने तेल, और अब एक एक करके सारे उबले हुए अंडे को इसमें डाल दूंगी और इनको मैं फ्राई करूंगी मीडियम गैस पे ब्राउन होने तक। और ये देखिए ऐसा रंगाना चाहिए, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसमें मसाले क्या डालेंगे। मैं दो बिग साइज़ के टमाटर ले लूँगी और दो ही प्याज लूँगी, एक तो फ्राई करने के लिए, बाकी पीसने के लिए। अब टमाटर बहुत महंगा है, पर स्वाद के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हम मसाले कम डालेंगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, और सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी तो खाना बनाने का क्या फ़ायदा है कि कोई पसंद से ही ना खाए। तो चलिए ये तो हुई हमारी बातें, अब मैं आगे दिखा देती हूँ। 10-12 दाने मैं काली मिर्च की लूँगी, और एक चम्मच जीरा लूँगी, एक छोटी इलायची, एक लौंग, ज़्यादा नहीं गरम मसाला खाना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक ही टमाटर को पीसूँगी और एक टमाटर को बारीक काट के रख लूँगी, उसको मैं मसाले के साथ भूनूँगी। तो अब सबसे पहले मैंने तेल में डाल दिया है मेथी दाना थोड़ा सा, और उसके बाद कटी हुई प्याज, और जब ये थोड़ा ब्राउन होने लग जाएगा तो जो मसाले मैंने पीस के रख रखे हैं, इसमें जो झाग आ रहा है ना, इसमें मैंने अंडा बॉयल किया था, तो उसी तेल में मैं मसाले भी भूनूंगी और सब्ज़ी भी बनाऊंगी। तो ये पीसे हुए मसाले डाल दिए मैंने, और इनको इसमें मैंने साथ में ही नमक डाल दिया। थोड़ा भूनने के बाद मैंने इसमें डाला एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और इनको खूब अच्छे तरीके से भूनूंगी। इतनी देर तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल ना छोड़ने लग जाए, और जैसे ही तेल छोड़ने लग जाएगा मतलब मसाला भून गया है। और उसमें डाल देंगे टमाटर और उसको भी थोड़ा भून लेंगे। देखिए इस तरह से रंग आ जाएगा। अब इसमें ये जो आलू फोड़ के रख रखे थे उनको डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले मिक्स करूंगी, ज़्यादा नहीं चलाऊंगी क्योंकि सारे आलू इसी में मैश हो जाएंगे। तो अब इसी के साथ मैं उबले हुए फ्राई किए हुए अंडे भी डाल दूंगी, और अभी इसे कवर नहीं करना है। इसमें पहले मैं उबाल आने तक का वेट करूंगी। जैसे इसमें उबाल आने लग जाएगा मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी कि थोड़ा जो भी मसाला वगैरह है, सब नमक वगैरह, ये आलू के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो मैं इसे ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने हरी मिर्च और धनिया की पत्ती काट के रख रखी है। अब जैसे ही सब्जी 10 मिनट हो गया है, अब मैं इसको पहले तो हरी मिर्च डाल दूंगी, फिर धनिया की पत्ती गार्निश कर दूंगी, और गैस को बंद कर दूंगी। सब्जी हो गई है तैयार। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें, और इसे आप रोटी से, चावल से, जैसे दिल चाहे, पूरी से, पराठे से, जैसे दिल चाहे वैसे खा सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।